प्रिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुप्रियास किचन हिंदी में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और बेसिक ब्रेड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ पीटा ब्रेड, जिसे पॉकेट ब्रेड भी कहा जाता है। ये बहुत ही आसान और झटपट से बन जाती है। यूजुअली हम इसे हमस के साथ खाते हैं, बट आप चाहें तो इसे वेज नॉन वेज किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पीटा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। आप चाहें तो मैदा की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस मैदे में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, जैसा कि हम बिना यीस्ट के ये पीटा ब्रेड बना रहे हैं। अब इसमें जाएगा 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। आप कोई भी वेजिटेबल तेल यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिलाना है, ताकि तेल, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी, ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब बारी आती है इसको गूंदने की। तो यहाँ पर मैं एक गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे अच्छे तरीके से हम एक सॉफ्ट आटा इसका गूंद लेंगे। ध्यान रहे, इसमें पानी एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके हम इसमें ये गुनगुना पानी डालेंगे। और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, करीबन 1/3 कप पानी मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब थोड़ा सा तेल लगाकर इसे अच्छे से रब कर लेंगे, ताकि ये पैन में या इस परात में ना चिपके। इसे कवर करके हम कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद हम इसको अनकवर करेंगे और इसे हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे। अब इस आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेकर एक राउंड शेप देंगे इसे, और इसे रोलिंग बोर्ड पर रखकर इसे थोड़ा प्रेस करेंगे और एक कर्ल्स यानी कि एक पॉकेट की तरह इसको शेप देंगे, या फिर हम जैसे मोदक के साथ करते हैं इसे प्रेस करके। अब बारी आती है इसको बेल लेने की। तो पतला या मोटा ये आप पर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें इसे बेल सकते हैं, लेकिन 1/4 इंच इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये परफेक्ट साइज है पीटा ब्रेड के लिए। बड़ा या छोटा साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं इसे बेकिंग ट्रे पर रख दूंगी। इसी तरीके से हम बाकी आटे का भी पीटा ब्रेड बना लेंगे। प्रेस करके थोड़ा कर्व्स देने हैं इसे, जैसा कि मोदक के साथ करते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉकेट ब्रेड का शेप आना चाहिए, वो टेक्सचर आना चाहिए। और अब इसे हम बेल लेंगे। मोटा पतला आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पर आप इस पीटा ब्रेड का टेक्सचर, इसका साइज देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें सारी पीटा ब्रेड तैयार कर लेनी है। और अब बारी आती है इसको ओवन में डालने की, करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जिसे मैंने प्री हीट किया है 500 डिग्री फ़ारेनहाइट या 260 डिग्री सेल्सियस पर। और 5 से 6 मिनट के बाद हम इसे ओवन से बाहर निकालेंगे। वाव, बहुत ही अच्छे तरीके से फूल कर तैयार है। यहाँ पर मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, इसकी सॉफ्टनेस। बहुत ही नरम पीटा ब्रेड तैयार हुई है और अमेजिंगली फूल कर बहुत ही अच्छे तरीके से पफ हो चुकी है। आप इसे एज अ सैंडविच या हमस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। वाओ, अमेजिंग।